अगर इसकी मार्केट में जाके रेट कंफर्म करेंगे तो करोड़ों रुपए का है। तो भाई साहब करें कि हमारा कनाट प्लेस है। और ये कंसेप्ट आजकल नया है। यादें हो तो ऐसी हो कि मतलब आपको नाम रखने पे भी मजबूर कर दे। मूंग वाला, मूंग वाला गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल है भाई लोगों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर राज साइकिल बाबा विश्व साइकिल यात्री एक बार फिर आ गया हूँ। और अभी हम हैं कैपिटल सिटी ऑफ बोत्सवाना गैबरोन, और गैबरोन में भी आज हम दन्नों में नहीं है, एक फाइव मतलब बड़े लेवल वाली गाड़ी में बैठे हैं। और हमारे साथ में हैं हमारे बड़े भाई चंद्र मोहन जी। उनकी इंट्रोडक्शन मैं क्या करूँगा, वो खुद ही दे दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, कैसे हैं? बहुत अच्छे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू बोत्सवाना। डॉक्टर राज जी जो है बोत्सवाना आपको दिखाएंगे। मेरा नाम जो है चंद्रमोहन सूरी है। मैं इधर जो है बिजनेस करता हूँ। मैं जो है 12-13 साल से जो है इधर रह रहा हूँ। एंड आई बीन फॉलोइंग डॉक्टर राज सिंस ईयर्स नाउ। टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे को जो है पर्सनली अपने फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई फील लाइक ही वॉट एवर ही इज डूइंग for a cause of the greenery or to save the environment and all that, I'm proud of him. Being Indian, हम जो है हिंदुस्तानी होके जो है ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं, दुनिया भर में जो है अवेयरनेस फैला रहे हैं ग्रीनरी के लिए, प्लांटेशन लगाए हम, या तो आई एम ग्रेटफुल फॉर हिम एंड ऑल दैट, एंड आई एम प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद हिम। ना तो काम है चलते जाना, प्रभु के गुनगाना। और थैंक यू भाई साहब। भाई साहब ने ही हमें यहाँ पे होस्ट किया। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया कि बॉर्डर क्रॉस करके मुझे लेने चले गए, और फिर हम वापस आए और एक रात बीच में रुके और फिर यहाँ पे आए। तो गैबरोन में इन्हीं के पास में मैं रह रहा हूँ। और अभी हम थोड़ा सा लोकल घूम के आएंगे, फूड वूड का कुछ वो करेंगे। आने वाले टाइम में मैं गैबरोन दिखाने वाला हूँ आपको, और गैबरोन के आसपास छोटी छोटी चीज़ें जो भी हैं, और फिर हम गैबरोन से निकलेंगे। आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल पे को सब्सक्राइब करिएगा और प्यार बांटते रहिएगा हमें भी और अपनों को भी। तो ये यहाँ का सेंट्रल एरिया आ गया भाई। पुराना जो गैबरोन था, सबसे पुराना गैबरोन यहाँ था। यहाँ पे एक ही मॉल होता था। कौन सा मॉल था सर? वो मेन मॉल, मेन मॉल बोलते थे उसको। अभी हम चल रहे हैं मेन मॉल में। तो यहाँ का कनाट प्लेस यही था, ऐसा सर का कहना है। सर की कनाट प्लेस से यादें काफी जुड़ी हुई है ना। क्या भाई साहब? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो इन्होंने यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है सर, और का तो उसका नाम भी ना कनाट प्लेस में एक बहुत पुराना सा रेस्टोरेंट होता था, अम्बेसी रेस्टोरेंट। तो उसी के नाम पे यहाँ पे इन्होंने रेस्टोरेंट कर रखा है ना। अम्बेसी रेस्टोरेंट, अम्बेसी रेस्टोरेंट, इंडियन कुजीन है। यादें हो तो ऐसी हो कि मतलब आपको नाम रखने पे भी मजबूर कर दे। ये कोई चर्च है पुराना, और सामने जो है मेन मॉल है, बैंक ऑफ बोत्सवाना। ये यहाँ का मेन बैंक है भाई बोत्सवाना का। कुछ भी कहो, 23 लाख की जनसंख्या के ऊपर इतनी चीज़ें बनाना बहुत बड़ा काम है यार। 23 लाख लोग हैं पूरी दुनिया इसमें। अब यूँ कह सकते हो कि यार हमारे यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मतलब 10 लाख के करीब वोट होते हैं, तो वहाँ पे 20 लाख जनसंख्या है। एक डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा सा कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट लगा लो, अकेले लुधियाना की बात करता हूँ, अकेले लुधियाना की जनसंख्या यहाँ से डबल है। तो आप सोच लो कि कैसे मैनेज कर रहे होंगे। और ये इस देश का एरिया बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे HIV के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो इसकी वजह से इन्होंने नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर भी बनाया हुआ है। भाई साहब, हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो सब गवर्नमेंट पे करती है क्या ऐसा? हाँ बिल्कुल, जो है गवर्नमेंट जो है दे टेक द मेजर नॉक ऑफ अपने सिटीजन्स को जो है अबव 58 जो है उनको राशन प्रोवाइड करती है, एक पैकेज बना देती है, थोड़े से चावल, इनका मेज मील होता है मक्की का आटा और ये वो सब कुछ, चाय वाय पत्ती वगैरह, चीनी वगैरह, ये जो है इनको प्रोवाइड करती है हर एक बुजुर्ग को। और उसके बाद जो है इनके हायर स्टडीज के लिए जो है गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। अगर बच्चा जो है कुछ पॉइंट होते हैं, जो इतने पॉइंट्स ले आए, तो दे विल द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्स की हायर स्टडीज के लिए जो है, अगर आउट ऑफ कंट्री भी जो है जाना पड़े किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में, तो गवर्नमेंट जो है पूरी हायर स्टडीज जो है उस बच्चे की जो है स्पॉन्सर।
ऑफर करती है। पूरा मेडिकल फैसिलिटी फ्री है? मेडिकल फैसिलिटी जो है बिल्कुल इधर जो है फ्री है काफी, अनटिल अनलेस कोई मेजर जो है खर्चा है जो भी है वो जो है फिर मिनिस्टर्स की, हेल्थ मिनिस्टर की जो है रिकमेंडेशन से जो है वो भी जो है बाहर से भी जो है डॉक्टर्स जो है ये बुलाते हैं अगर ये खुद जो है उसको जो है पेशेंट को नहीं ठीक कर पाए या जो भी। इधर साउथ अफ्रीका एम्बेसी है, इधर नाइजीरिया एम्बेसी, ये सारा एरिया है जहाँ पे डिफरेंट एम्बेसीज हैं। तो हम आएंगे यहाँ पे दोबारा से जब हम भारतीय दूतावास में आएंगे। वैसे ये बिल्कुल सिटी सेंटर है, पुराना सिटी सेंटर जो है वो यही है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ लैंड मैनेजमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन सर्विस, तो सब बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं यहीं पे। बिल्कुल जी, पर अब धीरे धीरे जो है कंजस्टेड हो गया है तो इस करके जो है शिफ्ट हो रहे हैं, एक नया सीबीडी एरिया बना है। यहाँ पे भी हमारा जैसे जाम्बिया में कॉन्सेप्ट देखा था कि एक नर्सरी होगी, नर्सरी के अंदर ही एक रेस्टोरेंट होगा, तो इसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे क्या नाम है भैया इनका, सैनिटास, सैनिटास करके कोई जगह है, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आ गए हैं। और सबसे पहले ये देखो पेड़ दिखा मुझे, और कितना हैवी है ये, तो बड़ के पेड़ से भी ज़्यादा इसकी छाँव है। और ये देखिए इसकी ब्रांचेज देखो कैसे निकली हुई हैं। तो हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे और यहाँ से नर्सरी से कुछ प्लांटेशन वगैरह भी लेंगे, प्लांट वगैरह लेंगे। नाराज हो गया, जाना नहीं चाहता वो। क्या खूबसूरत बनाया हुआ इन्होंने, इसलिए ये देखिए। और ये कंसेप्ट आजकल नया है, किसी ने पड़ोसी ने पेड़ काटा है तो पेड़ की जो जड़ें होती है ना, जड़ों को एज टेबल यूज कर सकते हो, इस पर शीशा भी रख सकते हो, अदरवाइज बगैर शीशे भी है। और इसको बिल्कुल देखिए कितना अच्छे से इन्होंने डिज़ाइन बना दिया इसका। यहाँ पे पेड़ का बड़ा साइज होता है तो उसकी कुर्सी भी बना दी है। अब ये देखो कलाकारी इससे ज़्यादा क्या होगी, तार से पूरा स्टैचू बना दिया। लो जी हम रेस्टोरेंट साइड में आ गए, पेड़ की छाँव में पूरा रेस्टोरेंट तैयार कर रखा है इन्होंने, ज़बरदस्त। हमारा बर्गर आ गया और ये बीट रूट की पेटीज है, आलू नहीं है इसके अंदर, तो देखते हैं खा के कैसा होता है। अरे यार, अच्छा बीच में टमाटर भी रखा हुआ है। तो खाना भी तो चल जीतने वाला काम होगा। हम आ गए हैं भाई गैबरोन डैम पे। ये सिर्फ पानी रिजर्व करते हैं कि भाई बारिश ना आए 2 साल के लिए 3 साल के लिए तो इसको यूज़ कर लें, तो ये वाटर रिजर्व है। हमारे इंडिया में तो हम सबको डैम का नाम है तो सिर्फ यही सोचते हैं कि भाई बिजली बनाने के लिए डैम बनाए। और इसकी भी वार्निंग आती रहती है बीच बीच में, 20% रह गया, 30% रह गया, तो उसी हिसाब से ये पानी की सप्लाई भी आगे उसी हिसाब से करते हैं। तो पानी भी बचाओ भाई और धरती भी बचाओ। तो कितना खूबसूरत नज़ारा है। अभी तो एक्चुअली क्या है, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो ये घास वास थोड़ा सा सूख गया है, अदरवाइज ये सब ग्रीन ग्रीन दिखता है यहाँ पर, बहुत सुंदर लगता। गाय पालन तो इनका मेन धंधा है, दूध के लिए, दही के लिए और खाने के लिए सब चीज़ों में यही यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं आई टावर। ये क्या कमर्शियल बिल्डिंग है क्या कोई? रेजिडेंशियल और कमर्शियल ऊपर है बस, वो 3 फ्लोर जो है और ऊपर जो है रेस्टोरेंट। यहाँ का ट्विन टावर द टॉलेस्ट बिल्डिंग। तो अब हम आ गए सिटी सेंटर के अंदर, मेन मॉल करके कोई जगह है, ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें। तो भाई साहब कह रहे हैं कि हमारा कनाट प्लेस है, सब चीज़ें बेची जा रही, डालें वाले तोफिया बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ पे हॉस्पिटल सारे प्राइवेट हैं क्या? मोस्टली आप प्राइवेट जो है ज़्यादा हो गए हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं इधर, हर एक टाउन में, छोटी सी विलेज में भी जो है क्लिनिक्स हैं। ये वाली बिल्डिंग यहाँ का हाई कोर्ट है भाई, बड़ा सुंदर दिख रहा है। ये तो सुप्रीम कोर्ट होता ही नहीं यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट नहीं। ये तो था सिटी टूर, छोटा सा सिटी है यार, इससे पहले तो क्या था सिटी आप देख लो। है कौन जनाब ये? सरित शेख हामा और दो नेक्स्ट प्रेसिडेंट हैं, मेरे को नाम नहीं याद, जैसे हमारे महात्मा गांधी। तो भाई यहाँ पे जब मॉर्निंग करते हैं या किसी को विश बोलते हैं, जैसे हम नमस्ते बोलते हैं, तो ये क्या बोलते हैं सर? यहाँ जो है डोमेला बोलते हैं। डोमेला, डोमेला। ओके, और मतलब लड़की को बोलना हो तो डोमेला माँ, डोमेला माँ, और जेंट्स को बोलना हो तो डोमेला रा, डोमेला रा। हाँ जी, डोमेला रहा। जब भी किसी कंट्री में जाओ तो 2-4 तो सीख लेना चाहिए, डोमेला डोमेला करते रहेंगे चलता जाएगा काम। तो एक बार हम एयरपोर्ट की तरफ जाके आ रहे हैं भाई, एयरपोर्ट पे एक स्पेसिफिक चीज़ है छोटी सी, वो दिखाने के लिए आपको। तो एक चीज़ और बता दूं कि दुनिया में एट प्रेजेंट सबसे ज़्यादा हाथी जो है वो बोत्सवाना में ही सर्वाइव करते हैं। अभी बोत्सवाना का हाथी अपने हाथी से जो एशियन हाथी है उससे लगभग 1.5 फीट बड़ा होता है, तो ऐसा मुझे बताया गया है। उसका हेड जो होता है ना वो बड़ा होता है और कान भी बड़े होते हैं। ये यहाँ के राष्ट्रपिता का नाम है सरित शेख हामा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उनके नाम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है यार। अब हम एयरपोर्ट के अंदर जाके देख के आ रहे हैं। सो भाई ये इतना बड़ा एयरपोर्ट है, इस साइड में सारा अराइवल है,
इस साइड में डिपार्चर है, उल्टा बोल दिया मैंने। ये 2015 में बनाया हुआ स्टैचू है भाई, सारे हाथी के ओरिजिनल दांत लगे हुए हैं ये। अगर इसकी मार्केट में जाके रेट कंफर्म करेंगे तो करोड़ों रुपए का है। कितने करोड़ का होगा सर ये? अब मेरे को अंदाज़ा नहीं हिंदुस्तान में जो है इसकी क्या कीमत है, बट यस यू आर राइट कि करोड़ों रुपए में तो है ही है। ये देखिए दिल्ली से इथियोपिया और इथियोपिया से यहाँ तो हम पैदल पैदल जो है अंदर जाते अंदर आ जाते हो तो एयर बोत्सवाना के पास चार जहाज हैं, ये जो छोटा जहाज खड़ा है ना ऐसे, और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पे सिर्फ अभी एक ही जहाज खड़ा है। सही है, वो एक छोटा और भी घूम रहा है उधर, हेलीकॉप्टर है वो। तो भाई हम एक बार लंच के लिए जा रहे हैं, आजकल तो बस खाना, काम करना और सोना, भीड़ हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ठेके पे भीड़ जरूर मिलेगी। तो पीछे ठेका है, पूरी भीड़ हुई है, गाड़ियां पार्किंग में फुल हैं। हम वैसे किचन कैसे हैं आप? हेलो हेलो भैया, बस सर ये हमारे कैब कैसे हैं? ये हमारे पूरन भाई हैं। हलवा खा के जाना, मूंग दाल का हलवा। क्या हलवा बना रहे हो? कौन सा हलवा बन रहा है? मूंग वाला। अच्छा अच्छा, देखो क्या बात है भाई, मज़े हो गए हैं। देखो किचन में घर का रेस्टोरेंट हो ना तो फिर फ़ायदा ये होता है कि किचन में भी जाके आप हलवा खा के साथ जा सकते हो। और वैसे खिला के आ रहे हो, स्टाफ में क्या बनाया आज? अच्छा पार्टी है क्या कोई? हाँ चलो भाई, नजारे हो गए हमारे तो। तंदूरी ते लस्सी दोनों मजेदार चीज आ गई है, तो स्वाद आ गया भाई खा के, ते नाले बटर आ गया, मजा आ गया जी पाजी देख के। मजा ही मजा जी, ये हिंदुस्तानी स्टाइल से बना हुआ परांठा अपने तंदूर के अंदर। में हो गई पेट पूजा और अब हम क्रिकेट ग्राउंड में जाके आ रहे हैं एक बार। तो यहाँ पे क्रिकेट बड़ा अच्छा खेला जाता है, लोग क्रिकेट बड़ा खेलते हैं, हालांकि टीम कभी इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, पर खेलते काफ़ी हैं। 20-25 क्लब है क्रिकेट के, मतलब टीम्स हैं, 25-1 टीम्स हैं। ये गैबरोन का जो है नेशनल स्टेडियम है भाई, तो यहाँ पे भी जैसे रिपब्लिक डे मनाना और वो सब तो उस स्टेडियम के अंदर ही मनाया जाता है। कोई एंट्री विंट्री नहीं बना रखी इन्होंने, सिंपल नहीं एंट्री है पीछे से, आगे से। अच्छा अच्छा, ये मेन एंट्रेंस है। तो ये एक्चुअली क्या है कि इंटरनेशनल ग्राउंड है भाई, ICC से रजिस्टर्ड है, ICC से फंडेड है, नो पेट्स आर अलाउड विद इन द BCA। साथ में एक मंदिर है स्टेडियम के बिल्कुल पास में, तो उसमें आ गया हूँ। ये इधर साइड में मंदिर दिख रहा होगा आपको, तो अभी एक बार मंदिर में घूमते हुए और फिर वापस रूम की तरफ जाएंगे। बाबा ने यहाँ पे मेडिकल भी शुरू कर दिया है, बाबा मेडिकल डॉक्टर रेड्डी MVK MD DCH वैक्सीन ऑफर्ड। कैंपस बना रखा है पूरे मंदिर का। तो भाई हम कैंपस में आ गए, तो ये पीपल लगा हुआ है, ये बड़ लगा हुआ है और वो नीम लगा हुआ है, तो त्रिवेणी लगा रखी है किसी ने मंदिर कैंपस में। ये बोत्सवाना हिंदू सोसाइटी है, और इस कैंपस के बिल्कुल दूसरी तरफ जो है वो मस्जिद भी थी। तो विजिटिंग आवर 6-1, 4-8। सारे कैंपस वो बंद है अभी, तो सिर्फ हनुमान जी खुले हैं।